तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों ने कई बार YouTube के ऊपर देखा होगा, होम पेज के ऊपर जब आप लोग स्क्रीन को स्क्रॉल करते हो तब यहां पर लिखा होता है किसी का भी, जैसे कि चैनल का नाम है, जैसे कि YouTube चैनल ऑल्सो व्यूअर वॉच दिस चैनल, इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। तो आप सभी जनों के माइंड के अंदर भी यार ये चीज हमेशा से आती होगी कि यार ऐसा अगर हम अपने चैनल के ऊपर सेटिंग अनेबल कर दें या फिर सेटिंग के ऊपर अपने चैनल के ऊपर इस तरह की सेटिंग कर दें तो हमारे चैनल का भी ऐसे आने लग जाए या फिर किसी और चैनल के नाम से उसके चैनल के ऊपर आने लग जाए तो ऐसे क्या होता है कि ऑडियंस आगे से मिलती है। तो आप लोगों ने भी यार ये चीज जरूर से देखी होगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सब जिनको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार में ये जो चीज होती है ये होती क्या है, अगर ये चीज अनेबल हम कर सकते हैं, सेटिंग हम ले सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो सेटिंग कैसे की जाती है वो भी आज की वीडियो के अंदर मैं आप सब जिनको बताने वाला हूं। और आप लोगों में से काफी सारे बंदों की रिक्वेस्ट भी आती है, कमेंट भी आती है कि भाई यार ये चीज आखिरकार में होती क्या है, तो मैं आप लोगों को आज इसके बारे में पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ए से लेकर के जेड तक में आप लोगों को सारी की सारी चीजें यहां पर जो है बताने वाला हूं। तो दोस्तों कोई चैनल के ऊपर पहली बार तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो चलो दोस्तों हम बात करते हैं, हमने कई बार देखा है यूट्यूब के ऊपर यहां पर लिखा होता है जैसे कि लाइक अमित बढ़ाना व्यूअर ऑल्सो वॉच दिस चैनल, तो ऐसे में क्या होता है उनकी जो ऑडियंस होती है जितनी भी, यानी कि 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन या 50 मिलियन जितनी भी ऑडियंस होती है सभी के पास में इस तरह का एक नोटिफिकेशन जाता है। ये चीज आखिरकार में होती क्या है तो मैं बता दूं, जैसा कि एक बंदा कोई कॉमेडी की वीडियो बनाता है, दूसरा बंदा वो भी कॉमेडी की वीडियो बनाता है, तो YouTube क्या करता है बंदों के पास में वीडियो को सजेस्ट करता है, यानी कि आप अमित बढ़ाना की कॉमेडी की वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को आशीष चंचलानी की भी कॉमेडी की वीडियो पसंद आने लग जाए, तो आप लोग क्या इनकी वीडियो भी देखो, क्योंकि यूट्यूब पर काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही क्रिएटर की वीडियो देखते हैं, उनको दूसरे क्रिएटर का नाम ही नहीं पता होता है, उनके बारे में नहीं पता होता है, तो यूट्यूब उनको यहाँ पर जो सजेस्ट करता रहता है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई। दूसरी चीज यहाँ पर यह होती है कि ये उसी चैनल के ऊपर लगता है, अभी उसी चैनल के ऊपर जो है शुरू होता है, उसी चैनल के ऊपर अनलेबल होता है जिस चैनल की कैटेगरी एक जैसी होती है, जैसे कि अमित बढ़ाना का YouTube चैनल है कॉमेडी का, कैटेगरी यानी कि कॉमेडी की है, आशीष चंचलानी का चैनल है कॉमेडी का यानी कि कैटेगरी कॉमेडी की, तो ऐसे ऐसे चैनल को आपस में सजेस्ट करता है। जैसे कि आपका कोई चैनल है न्यूज का और सामने रहेगा कि न्यूज का चैनल है, तो आमने सामने इस तरीके से YouTube नोटिफिकेशन भेजता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि उसको हम अपने चैनल के ऊपर कैसे अनेबल करें या फिर अपने चैनल के ऊपर कैसे ला सकते हैं, तो मैं आप सब जिनको बता दूं इसको आप लोगों को लाने के लिए आप लोग क्या करना, एक ही कैटेगरी के अंदर आप लोगों को काम करना रहेगा, उससे आप लोगों को यहाँ पर जो यूट्यूब खुद आपके सामने इस तरह के नोटिफिकेशन बना करके लोगों तक यहां पर भेजेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं खुद अपनी तरफ से सेटिंग ऑन करके या फिर यूट्यूब की कोई ऐसी सेटिंग होगी जिसको ऑन करूं, तो मैं आपको बता दूं ये यूट्यूब की सेटिंग नहीं होती, इसको यूट्यूब खुद यहां पर जो लोगों तक भेजता है ऐसे चैनल फाइंड कर करके, जैसे चैनल के ऊपर एक ही कैटेगरी के होते हैं, उस कैटेगरी का बड़ा चैनल होता है तो उसकी ऑडियंस तक इसकी वीडियो भेजता है, उसकी ऑडियंस इस तक यहां तक भेजते हैं, तो आप लोगों को अपनी तरफ से इस तरह की कोई सेटिंग यहां पर जो ऑन नहीं करनी रहती है। तो आई होप आप सभी जिनको समझ में आया होगा कि व्हाट इज यूर ऑल्सो वॉच दिस चैनल, आखिरकार में चीज क्या होती है। एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो है YouTube सेम कैटेगरी के आपस में सजेशन करता है, इसमें जो क्रिएटर या फिर जो एडमिन होता है उसका यहाँ पर जो कोई भी लेना देना नहीं रहता है, उसमें जो लेना देना रहता है वो YouTube का रहता है, YouTube खुद जिस चैनल के ऊपर चाहता है उस चैनल के ऊपर ला सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग चाहते हो कि आपके चैनल के ऊपर भी ऐसा आए तो उसके लिए यहाँ पर क्या टिप्स रहने वाली है, सबसे पहले आप लोगों को एक ही कैटेगरी के अंदर काम करना रहेगा, आप लोगों की हमेशा से एक ही कैटेगरी होनी चाहिए और आपका जो चैनल है उसके ऊपर अच्छे खासे थोड़े बहुत यहाँ पर व्यूज होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल नए चैनल को ऐसा सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत जो रनिंग के अंदर होना चाहिए, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत व्यूज होने चाहिए, तो YouTube उस चैनल के ऊपर चीज को अप्लाई करता रहता है। तो आई प्यारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना।